So hi guys, this is Akash once again coming up with a new and interesting video which is Toppers Strategy Decoded. तो so इस in interesting video में आज हम ये बात करने वाले हैं कि जितने भी toppers रहे हैं क्या उनने strategy अपनाई है क्या specifically उनकी strategy हर student को use करनी चाहिए क्या वो सारे students के लिए काम करेगी या फिर आपके पास कुछ अलग होना चाहिए at the time of preparation or not. वीडियो so, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूं अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाओ सबसे पहले चीज वही करनी है दूसरी चीज ये है कि टेलीग्राम पे सबसे पहले हमारे अपडेट्स आते हैं सो गो एंड क्लिक ऑन द लिंक बिलो और सबसे पहले जाके उसको सब्सक्राइब करो या फिर ज्वाइन करो ठीक है सो लेट्स गेट स्टारेड

बुक्स में ऑनलाइन मटेरियल में सारी चीजों में सबसे ज्यादा हेल्प तो करता ही है बट हाँ आप रेफरेंस के लिए दूसरी चीजें भी ले सकते हैं फॉर श्योर तीसरी चीज है प्रैक्टिस देखिए अगर प्रैक्टिस आपकी कम है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने दिया सिक्स मंथ स्ट्रैटेजी या आपने किया एक साल स्ट्रेटेजी ट्वेल्व मंथ स्ट्रैटेजी तो ट्वेल्व मंथ की स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है कि आप पूरे बारह महीने निकाल आप कम टाइम भी लगा सकते हैं आप छह महीने भी लगा सकते हैं आप मान लीजिए पांच महीने भी लगा सकते हैं लेकिन स्पेसिफिकली ये सारी चीजें ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हाँ कि पूरी साल की जो स्ट्रैटेजी है वो छह महीने में भी कंप्लीट हो सकती है सो यू हैव टू वेरी रेगुलर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पेपर में भी एंड ईयर वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत हेल्प करेगा जितनी जल्दी हो जाए विथ फुल प्रिपरेशन तीन पार्ट स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी इन तीन सेक्शन में बेसिकली पेपर होता है एंड यहां पे अगर देखा जाए आपकी मैथ स्किल्स लॉजिकल रीजनिंग में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग एंड यहां पे वर्बल एबिलिटी में रीडिंग पैटर्न रीडिंग पैटर्न नए वर्ड सीखना सब लोग बोलते हैं कि आपके हाथ में एक डिक्शनरी होनी चाहिए जो आपकी बाइबल होगी वर्ड सीखने के लिए मैं ये कहता हूं कि नेटफ्लिक्स क्यों नहीं या ऑनलाइन टीवी शोज क्यों नहीं जो इंग्लिश में आते हैं वहां से भी आपको सीखने को स्पेसिफिकली उतना ही मिलता है बस ये कि हाँ आप वर्ड वहां से लिख के अपनी बुक में लिख लीजिए

तो ये सारी चीजें स्पेसिफिकली जो हम देख रहे हैं राइट ये प्रो टिप्स में इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली वही किया है जिनका सिलेक्शन हुआ उन सब ने यही स्ट्रेटजीज अपनाई हैं तो आपके लिए भी ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बहुत कामफुल यूजफुल सॉरी होंगी एंड आगे देखते हैं टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट एंड स्टे फोकस्ड एंड काम देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल

आपका टाइम ऑब्वियसली कम बचेगा एट द एंड ऑफ योर पेपर तो हाँ अगर जो क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे है, तो उस पर तो नहीं लगाना है फॉर श्योर बट उसको समझ के उसके पैटर्न को देख के एंड के टाइम में उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली करें तो अपना टाइम भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है यहाँ पे स्टे फोकस्ड एंड काम कुछ स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिकली ये होता है कि प्रिपरेशन ने बारह महीने से करी बारह महीने की करी या फिर डेढ़ साल से वो प्रिपेयर कर रहे हैं बट एट दिन पहले बेसिकली उनको ऐसा लग लगता है कि हमने जितना पढ़ा था हम सब भूल रहे हैं, right? तो आपको अपना फोकस हमेशा रखना पड़ेगा एक स्ट्रैटेजी दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ आई एम रेडी अब मेरे से ये पेपर सॉल्व होगा फॉर श्योर sure. तो आपको उसके लिए काम भी रहना पड़ेगा एंड स्पेसिफिकली मैं आगे वीडियोस में ऐसे दो स्पोर्ट्स स्टार्स की भी बात करूंगा जो क्रिकेट uh, खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं एंड वो फोकस अपना कभी नहीं हटाते एंड एंड मूवमेंट पे भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं सो so सो ये sure so guys, ये टिप्स बेसिकली फॉर श्योर आपको हेल्पफुल होंगी दो स्पोर्ट्स स्टार्स बेसिकली अपनी इंडस्ट्री के टॉप नॉच स्पोर्ट स्टार्स हैं यहाँ पे धोनी हो गए यहाँ पे लियल मेसी हो गए क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार मान लीजिए वर्ल्ड कप जिताने वाले हीरो मान लीजिए और यहाँ पे अर्जेंटीना के स्टार वर्ल्ड के भी स्टार हैं और अभी रिसेंटली ने वर्ल्ड कप जीता है तो स्पेसिफिकली इन दोनों की फोटोज में आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ये बताने के लिए कि ये जब फील्ड पे होते हैं तो आराम शांति से खेलते हैं स्पेसिफिकली अपना दिमाग लगा के खेलते हैं ना कि हड़बड़ी में सारी चीजें बिखेर देते हैं या फिर खराब कर देते हैं बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ के उनने प्रिपेयर तो कर लिया है उन्हें सारी चीजें सीख ली है समझ ली है सब आता है अब कुछ दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम वी आर रेडी बट जैसे ही आप एग्जामिनेशन में जाते हैं आप चीजें भूलने लगते हैं आप घबरा जाते हैं सडन स्ट्रेस हो जाता है तो ऐसी क्या टेक्निक्स यूज करी जा सकती हैं जो ये लोग भी यूज करते होंगे जिससे कि आप कूल cool रह सकें काम रह सकें नहीं मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूं वो भी आप यूज कर सकते हैं बट ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं तो दो ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो आपको पक्का हेल्प करने वाली हैं पहली चीज है स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड अगर आपने लास्ट के चार साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं तो स्पेसिफिकली वो तो चेक करने ही करने कि क्या टेस्ट पैटर्न था क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा आई थी क्या इस बार स्पेसिफिकली वेटेज डिफरेंट था या फिर कुछ टेस्ट पैटर्न चेंज हुए थे नहीं हुए थे तो चार थियर, चार ईयर्स के स्पेसिफिकली पुराने साल के पेपर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो वहां से हमें स्पेसिफिकली पता चल जाते हैं और हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो कि अपडेट नहीं हुए सेकेंडली अगर हम देखें तो एक पोमोडोरो टेक्निक है इसके बारे में मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी स्पेसिफिकली बात किया था एक पच्चीस मिनट की एक साइकिल होती है स्पेसिफिकली जहां पे आपको बैठना होता है कंटिन्यूस उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हां आपकी सिटिंग टाइम बढ़ रही है इससे होता क्या है आपकी सिटिंग टाइम बढ़ती है पढ़ने के लिए आपको बहुत यूजफुल होता है जिन स्टूडेंट्स का सिटिंग टाइम कम होता है स्पेसिफिकली उसको ये वाली टेक्निक बहुत यूजफुल होती है बहुत हेल्पफुल होती है तो ये दोनों चीज आपको स्पेसिफिकली बहुत हेल्प आउट करेंगी समझने के लिए अपने पैटर्न को गाइड एम श्योर आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर इनकेस आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है या फिर आपका जो भी क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो आई एम श्योर मैं उसको आंसर करूंगा एंड टेलीग्राम पे हम सबसे पहला अपडेट देते हैं सो मेक श्योर कि आप सब जाए एंड ज्वाइन करें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे तो स्पेसिफिकली आपने देखा ये हम सब है ही सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड